एमपी के सभी लोकसभा और राज्यसभा के 39 सांसदों को पत्र लिखने पर पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर तंज कसा है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि चिट्ठी लिखना दिग्विजय सिंह का स्वभाव है, वे कभी मुख्यमंत्री कमलनाथ की ओर से अपने मंत्री पुत्र को चिट्ठी लिख देते हैं तो कभी कैबिनेट मंत्रियों को भी पत्र लिख देते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जब भी पत्र लिखते हैं सुबह की सियासत में हलचलें बढ़ जाती हैं। जी हां, इस बार मध्य प्रदेश के सभी राज्यसभा और लोकसभा के 39 सांसदों को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से दिग्विजय ने सांसदों से जनहित में साथ आने की मांग की है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदा सहित विकास मूलक योजनाओं में किए जा रहे भेदभाव का उल्लेख किया है। वहीं उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के साथ हो रहे सौतेले व्यवहार को लेकर वे जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। दिग्विजय के इस पत्र को लेकर पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर चुटकी ली। मिश्रा ने कहा कि चिट्ठी लिखने का दिग्विजय का स्वभाव है, कभी वे सीएम की ओर से अपने पुत्र नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह को तो कभी वन मंत्री उमंग सिंघार को चिट्ठी लिख देते हैं। इन चिट्ठी को छोड़ें और दिग्विजय सिंह पहले ये बताएं कि पेट्रोल डीजल पर जो रेट बढ़ता था वो पैसा कहाँ गया। जानबूझकर किसानों की उपेक्षा की जा रही है, किसान रोज आत्महत्या कर रहा है, नया लोन मिल नहीं रहा तो क्या करे किसान, इनके आश्वासन से किसान आत्महत्या कर रहे हैं। वो पुत्र को भी चिट्ठी लिख देते हैं, मुख्यमंत्री जी को भी लिख देते हैं, उमंग जी को भी लिख देते हैं। चिट्ठी लिखने से बेहतर वो बताएं कि जो डीजल और पेट्रोल पे उन्होंने पैसा बढ़ाया था, अतिवृष्टि के नाम पर बढ़ाया था, राहत के नाम पर बढ़ाया था, उसका क्या हुआ अभी तक, कितना आया और कितना गया, और अभी तक राज्य सरकार ने कितना बांटा है, ये बताए ना पहले। वो हम सवाल वही कर रहे हैं, जान पूछ के प्रदेश के किसानों की उपेक्षा की जा रही है, ऐसे करके विषयांतर किया जा रहा है। जो किसान का गेहूं खरीदा था, जो बोनस मिलना था, जो किसान का हक था, वो तो दिया नहीं, एक साल हो गए नहीं, नया गेहूं बो गया, पिछले साल के गेहूं का 160 अभी तक नहीं दिया, अब क्या देंगे ये? जो किसान के, यही कारण है कि आज आपने पढ़ा होगा कल फिर आत्महत्या कर ली, परसों सिलवानी में की थी, रायसेन में, कल फिर कर लिए उन्होंने रतलाम में, रोज किसान आत्महत्या कर रहा है। आज आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा किसानों ओवरडू हो गया, किसान नया लोन मिल नहीं रहा, आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा, इनने आश्वासन दे दिया, इनने आश्वासन दे दिया तो किसान ने कर्जा नहीं भरा, इनकी आश्वासन के कारण से आत्महत्याएं हो रही, केस रजिस्टर्ड होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ जिनकी गलती से लोग मर रहे हैं उन पर केस रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब मंत्रियों को लिखना इसीलिए बंद कर दिए, उनने नाराजगी जाहिर हो गई थी। गौरतलब है कि राज्यसभा सांसद एवं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सभी सांसदों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर दिल्ली में साथ चलकर प्रदेश हित में केंद्र सरकार से मांग करने तथा मांग पूरी नहीं होने पर विरोध प्रदर्शन करने की अपील की है। सिंह ने कहा कि सांसदों द्वारा प्रदेश के हित की बात न करना जनता के साथ विश्वासघात होगा। अब देखना होगा कि आखिर दिग्विजय सिंह के पत्र के बाद कितने सांसद पीएम मोदी से मुलाकात करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।